आपको तो पता ही होगा कि हम मनुष्य स्पेस के बारे में जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए कितने सारे मिशन्स किए जा चुके हैं। उनमें से कई मिशन्स को हम लोगों ने हमारे आँखों के सामने होते हुए देखे हैं और कुछ को हमसे छुपाया गया है। और अगर किसी मिशन्स में एलियन यानी कि दूसरे ग्रह के प्रजाति से मिलने का मौका मिल जाए तो कैसा होगा? तो आज मैं आपको अपोलो 20 मिशन और उसमें पाए गए एलियन मोनालिसा के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपोलो 20 मिशन के सफ़र पे। अपोलो 17 मिशन के बाद 1972 में नासा ने ऑफिशियली अपोलो प्रोग्राम्स को समाप्त कर दिया। हालांकि नासा ने 3 और मिशनों की योजना बनाई थी, अपोलो 18, अपोलो 19 एंड अपोलो 20। षड्यंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार अपोलो मिशनों ने चांद पर प्राचीन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स की खोज की थी और नासा उन सब के बारे में बिना पब्लिक को बताए जानना चाहता था। अपोलो 20 मिशन को इतिहास के सबसे बड़े UFO कवर अप में से एक माना जाता है। 2007 में YouTube पर कई वीडियोस अपलोड किए गए और अपलोडर्स के मुताबिक वो अपोलो 20 मिशन की फुटेज थी और वो सारे वीडियोस विलियम रुटलेज द्वारा अपलोड की गई थी, जिनके मुताबिक वह अपोलो 20 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। पहले तो उन्होंने उन वीडियोस और अपोलो 20 मिशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन बाद में एक इटालियन रिसर्चर ल्यूका ने रूटलेज से उस मिशन के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल की। रूटलेज ने बताया कि यह अपोलो 20 मिशन 1976 में एक सीक्रेट सोवियत अमेरिकन मिशन था और उन्हें इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वो भगवान पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जो मिशन के बाकी एस्ट्रोनॉट्स थे वे भगवान पर यकीन करते थे, जो 1970s के एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही रेयर था। रूटलेज ने कहा कि अपोलो 14 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से गुजरा था, जहाँ पर उसने कई छोड़े गए अंतरिक्ष जहाज और शहर थे जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। और अपोलो 20 टेल पोर्टे क्रेटर के पास उतरा और उसका मिशन एक सिगार के आकार के मदरशिप का पता लगाना था जो कि शायद 1.5 मिलियन सालों से वहां पर पड़ा था। जब वे एस्ट्रोनॉट्स उस शिप में गए तब उन्हें दो एलियन बॉडीज मिली, उसमें से एक मेल था और एक फीमेल थी, लेकिन मेल एलियन की डेड हो चुकी थी और जो फीमेल एलियन थी उसे बचा लिया गया था और उसे मोनालिसा नाम दिया गया था। उसका शरीर बिल्कुल मानव जैसा था और उसकी 6 उंगलियां थी और उसकी विशेषताएं मानव के समान थी, हालांकि उसके पास कोई नाक नहीं थी। रूटलेज ने मोनालिसा के बारे में यह बताया कि वे ना ही मरी हुई थी और ना ही पूरी तरीके से जीवित थी। मोनालिसा उस अंतरिक्ष यान में पायलट रूम में मिली थी और कई ट्यूब उसके शरीर के साथ जुड़े हुए थे और वह मोम जैसे पदार्थ में ढकी हुई थी। उसके बाद उसे पृथ्वी पर वापस लाया गया और शायद उसे पुनर्जीवित भी किया गया था और उसे आज तक कहीं पर गुप्त रखा गया है। और जो मेल एलियन बॉडी था उसे भी पृथ्वी पर वापस लाया गया था और उस पर एक शव परीक्षण भी किया गया था। विलियम रूटलेज आज 78 वर्ष के हैं और वर्तमान में रवांडा में रह रहे हैं। अब तो यही है वो चैनल जिस चैनल में विलियम रूटलेज ने अपोलो 20 मिशन की रियल फुटेज अपलोड की थी। आप चाहे तो चैनल का नाम सर्च कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यही थी अपोलो 20 मिशन और एलियन मोनालिसा की कहानी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।